हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? सो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ रेने वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल। सो मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि मैम आप ना अब वन ब्रांड शेयर करो हमसे। जैसे कि बहुत सारे न्यू ब्रांड लॉन्चेस हुए हैं, लाइक मार्स हो गए, इनसाइट हो गए, बहुत सारे रेने के हो गए, फिर चार्मसी मिलानो। तो मैं धीरे धीरे करके सबका वन ब्रांड आप शेयर करने वाली हूँ। तो आज रेने का है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रेने का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, जो कि बहुत अच्छा प्राइमर है। ट्रस्ट में अगर आप ड्राई स्किन वाले तो आप इस प्राइमर को ले सकते हो। मैंने इसको काफ़ी टाइम यूज़ किया है, इसलिए मैं आपसे रिकमेंडेशन शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रेने का फाउंडेशन इन दी शेड चाय टी, आई गेस यही शेड है। एंड ब्रशेज़ भी मेरे पास रेने के है। सो ये है रेने का फाउंडेशन ब्रश, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रश है। आप देख सकते हो इसका शेप काफ़ी अच्छा है एंड बहुत अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड भी करता है। तो रेने का फाउंडेशन मुझे कैसा लगा? मुझे रेने का फाउंडेशन इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैट फिनिश था, जो कि मेरी स्किन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। बहुत मतलब पैची लग रहा था जब मैं इसको ब्लेंड कर रही थी। ब्रश से तो अच्छे से ब्लेंड हो ही नहीं रहा था ट्रस्ट में। तो मुझे बाद में ब्लेंडर यूज़ करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मैट था ना, तो ये एक जगह जाके बैठ रहा था, ये अच्छे से ना ब्लेंड नहीं हो रहा था। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, बट मुझे एज सच इतना कोई ख़ास फाउंडेशन नहीं लगा। इसका कवरेज आपको मीडियम मिल जाएगा, जी हाँ, बट मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रेने का कंसीलर यूज़ किया है, जो कि मोस्ट डिस्गस्टिंग कंसीलर है, जो कि मैंने अब तक अपने लाइफ में इतने कंसीलर ट्राई किए हैं, उसमें से सबसे अगर वर्स्ट कंसीलर मैंने ट्राई किया तो वो ये है। इतना बुरा इसका फिनिश है, आप देख सकते हो पानी की तरह लग रहा है। जब मैंने इसको लगाया ना, वाटर काइंड ऑफ मुझे लग रहा था। एंड ब्लेंड करने के बाद तो मेरा बेस पूरा ख़राब हो गया है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पैची लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा कंसीलर नहीं है। फाउंडेशन एक वक्त के लिए मैं बोलूँगी अच्छा है, क्योंकि कवरेज अच्छा मुझे दिया। एंड बाद में मैंने ऐसा फील किया, एक घंटे के बाद मेरा फेस अच्छा लग रहा था, डिसेंट लग रहा था, बट कंसीलर तो बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। बाद में मैंने यहाँ पे दूसरा कंसीलर यूज़ किया, क्योंकि मेरा बेस बहुत ही गंदा लग रहा था ट्रस्ट में। तो बिल्कुल भी मैं ये कंसीलर आपको रिकमेंड नहीं करना चाहती हूँ। रेने का बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छा आप ना मार्स का, इनसाइट का जो आता है ना 100 रुपये वाला, वो ले लेना, वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रेने का लिप एंड चिक टिंट यूज़ किया। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने रेने का यहाँ पे ब्रश यूज़ किया है। अच्छा ब्रश है, बट ना ये काफ़ी ज़्यादा मैट है, तो बहुत आपको लेना पड़ेगा ब्रश में, तब आपको फेस पे दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा मुझे पिगमेंटेड नहीं लगा। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब बहुत मैट है, लाइक ये बहुत मैट है, आपको ब्लेंड करने में टाइम लगे। इससे अच्छा ये रेने का डुओ ब्लश किट मैंने लिया हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद है एंड मैं ये रेकमेंड भी आपको करूँगी कि बहुत अच्छा है। एंड काफ़ी अच्छा ब्लशी आपको शेड इसमें मिल जाता है, तो ये वाला ले सकते हो आप। बस लिप एंड चिक टिंट मुझे इतना पसंद नहीं आया। मेरे पास कोई कॉन्टोर नहीं था, तो यहाँ पे रेने का मेरे पास ना ये लिपस्टिक था, ब्राउन कलर में था, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया एज ए कॉन्टोर। क्योंकि कोई भी आप ब्राउन कलर का लिपस्टिक क्रेयॉन फॉर्म का रहता है, उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉन्टोर ब्रश यूज़ किया रेने का। अब बात करते हैं रेने के ब्रशेज़ कैसे हैं। रेने के ब्रशेज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा, किसी भी हाई ब्रांड के ब्रश से कम नहीं है। बहुत अच्छा फिनिश देता है, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड करता है। तो अगर आप ब्रशेज़ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रेने का यूज़ किया है 3-in-1 हाईलाइटर, जिसमें 3 शेड है। एक है लाइट, एक है शैम्पेन, आप देख सकते हो, एक पिंकी काइंड ऑफ है। तो मैंने कौन सा शेड यूज़ किया? मैंने गोल्डन शेड को यूज़ किया है इस तरह से। एंड अच्छा है ये प्रोडक्ट, बट मुझे इतने नहीं पसंद है। स्टिक फॉर्म के हाइलाइटर, मुझे पाउडर फॉर्म के हाइलाइटर ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी ये वाला प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट मुझे सच में अच्छे लग रहे मैं वो आपको शेयर कर रही हूँ, जो नहीं लग रहे मैं वो नहीं शेयर कर रही हूँ। सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। मे बी ये प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद आएगा, बट मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि सबकी प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस अलग अलग होती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं रेने का यूज़ कर रही हूँ लूज पाउडर, क्वाइट अफोर्डेबल एंड बहुत अच्छा फिनिश है। मुझे इसके लूज पाउडर अच्छे लगे। मेरे पास 2 शेड है, इसमें बेज काइंड ऑफ शेड है एंड ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है। सो वाइट इन कलर में ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मेकअप को सेट करता है। मेरा जो फेस है ना पहले अच्छा नहीं लग रहा था जब तक मैंने फाउंडेशन एंड कंसीलर लगाया था, बट जब मैंने इस पाउडर को यूज़ किया मेरा फेस काफ़ी अच्छा लगने लगा, बाद में फिनिश काफ़ी अच्छी बाद में आ गई। मेरे पास रेने का ये गोल्डन आवर आई शेडो पैलेट है एंड मेरे पास इस तरह के 3 और रेने के आई शेडो पैलेट है जिसमें 0, 1, 2, 3 मेरे पास तीनों शेड अवेलेबल है। सो मैं इसी पैलेट का सोच रही हूँ यूज़ करने का क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे शेड है एंड इसका ना पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसके सिमरी शेड बहुत मुझे पसंद है। सो मैं ये दोनों शेड को सबसे पहले ले रही हूँ। इस तरह से मैंने 1, 2 नंबर को यूज़ किया है, तो इस तरह से मैंने मैट शेड को पिक किया। इस तरह से मैंने ब्रश लिया है रेने का ही, जो कि फ्लैट काइंड ऑफ शेड, फ्लैट काइंड ऑफ ब्रश है एंड इस तरह से मैं स्मर्स लाइनर की तरह इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड स्मर्स कर करके ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने 2 मैट शेड को यूज़ किया, आपने देख ही लिया वीडियो में कौन कौन सा शेड मैंने यूज़ किया है। पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, फिनिश बहुत अच्छा है, आई शेडो पैलेट बहुत अच्छे हैं इनके। नेक्स्ट मैं दूसरा आई शेडो पैलेट ले रही हूँ रेने का एंड मैंने ब्राउन शेड को लिया है एंड इस तरह से मैंने इसको अप्लाई किया है। मैं हल्का सा विंग काइंड ऑफ निकाल रही हूँ, आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैंने पर्पल शेड को लिया है एंड इसको भी इस तरह से एंगल आपको बनाना, एंगल बेसिकली नहीं बनाना है, स्मज लुक मुझे बेसिकली देना था, तो इस तरह से मैंने एक्सटेंड किया है आउटर कॉर्नर के पास, आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं ये वाले शेड को ले रही हूँ, मैंने 2 पैलेट यूज़ किया, मैंने आपको दिखा दिया है एंड इस शेड को मैं अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। एंगल काइंड ऑफ मैंने बनाया है, अभी आप देख सकते हो, आपको दिख भी रहा होगा। तो इस तरह से आउटर कॉर्नर के पास मैंने निकाल के एंगल काइंड ऑफ शेप दिया है इसको एंड इस तरह से स्मज लुक दिया है। बहुत ही अच्छा आई मेकअप लग रहा था एंड बहुत ही इजी आई मेकअप था। आज मैंने रिवर्स टेक्निक फॉलो किया। नेक्स्ट मैं ये वाले शेड को ले रही हूँ एंड अब मैं क्या करूँगी, इस कलर को लूँगी एंड ये हमारा ट्रांजिशन कलर अब हो जाएगा। रिवर्स कैसे हुआ, आज हम नीचे से ऊपर की ओर गए, हमेशा मैं ऊपर से नीचे की ओर आती थी। तो इस वाले आई मेकअप को आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, स्मोक लुक टाइप को आपको लुक मिलेगा, काफ़ी अच्छा। आजकल ट्रेंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने ट्राई किया एंड मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। एंगल विंग काइंड ऑफ शेप आपको मिल जाएगा आउटर कॉर्नर के पास एंड काफ़ी प्यारा भी लगता है, सटल एंड ब्लेंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ब्लेंड आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काफ़ी ब्लेंडेड लुक आपको दे रहा है, लाइक आप समझ रहे हो मेरी बातों को ना। तो इस तरह से लोअर लैश लाइन पे भी हमने यूज़ कर लिया लाइट पीची शेड जो कि हमारा ट्रांजिशन कलर था एंड हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है। कितना ज़्यादा ईजी था आप मुझे बताओ कमेंट करके, आपको अच्छा लगा या नहीं। अब बारी आती है लाइनर की। तो मेरे पास रेने के बहुत सारे लाइनर जिसके पिंक, ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन, ब्लैक, तो मैंने हल्का सा ब्लैक लाइनर को इस तरह से लगाया है एंड इसको हम हल्का से स्मर्स कर देंगे डार्क ब्राउन आई शेडो की हेल्प से। लाइनर मैंने क्यों लगाया, थोड़ा सा फिनिशिंग लुक आ जाता है, डेट्स वाई मैंने लाइनर लगाया है। इस वाले शेड को लेके हम इनर कॉर्नर ब्रो बोन को हाईलाइट कर देंगे। नोज़ के पास भी मैंने अप्लाई कर लिया, थोड़ा सा साफ अपने नोज़ को दिखाने के लिए। ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मस्करा मेरे पास रेने का नहीं था, एक्सेप्ट मेरे पास मस्करा नहीं है रेने का, बाकी मेरे पास ऑलमोस्ट इसके सारे प्रोडक्ट है। तो मस्करा मैंने दूसरा यूज़ किया। लिपस्टिक के लिए मैंने रेने का लिपस्टिक का यूज़ किया, ये है मॉविश शेड एंड ये है हॉट पिंक, ये वाला शेड नंबर है मैंने बताया। तो मैंने 2 लिपस्टिक को यूज़ किया, पहले मैंने हॉट पिंक शेड को आउटलाइन किया एंड अंदर में मैंने फिल इन किया मॉवी पिंक की शेड, नेम ही है मॉवी पिंक शेड। तो इस तरह से, क्योंकि मैंने आउटफिट लैवेंडर कलर का वेयर किया था, तो अगर आप लैवेंडर कलर का आउटफिट वेयर करते हो तो आप पिंक आई मेकअप कर सकते हो क्योंकि लैवेंडर, वायलेट, पिंक की फैमिली से आता है। सो होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। कुछ न्यू टॉपिक मैंने वीडियो शेयर किया है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, जैसे कि ब्रशेस मस्ट बाय, आई शेडो आप ले सकते हो, लिपस्टिक तो मस्ट बाय क्योंकि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड लाइनर बहुत अच्छे हैं इनके, लूज पाउडर अच्छे है एंड बाकी मैंने आपको वीडियो में सारा कुछ बता दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट का लिंक मैंने दे दिया है, इनकेस अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अमेज़ॉन पे ना ऑलरेडी लाइव है ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल से, जिसमें आपको बहुत अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, 8 अगस्त तक सेल है, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जो कि बिल्कुल फ्री होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।